हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम एम्स 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी ऑल इंडिया रैंक तक एम्स की कॉलेजेस मिल जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम पेड काउंसलिंग भी करवाते हैं, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे फीचर्स दे रखे हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। आपको पर्सनलाइज चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगी, आपको सारे डाटा अवेलेबल करवाए जाएंगे। बहुत से काउंसलर होते हैं जो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेके भी आपको एक्चुअल डाटा प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, आधा अधूरा डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन हमारी टीम ऐसी नहीं है। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है, बहुत सारे डाटाज कलेक्ट किए हैं, काफ़ी टाइम लगा है उनमें, और सारे डाटाज को कंपाइल करके एक बेहतर फॉर्मेट बनाया है जो आपको मिलेगा इसके अंदर। और प्रेफरेंस लिस्ट भी हम आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल होगी वो आपसे कॉल पे बात करके, आपसे डिस्कस करते हुए आपके लिए बना देंगे। तो ये काउंसलिंग प्रोग्राम आप परचेज कर सकते हैं, आपको ओनली 1999 में मिलेगा, जिसमें आपकी ऑल इंडिया और स्टेट दोनों काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसके अंदर आपको ऑल इंडिया और स्टेट गाइड बुक भी फ्री मिलेगी, जिसके अंदर सारे डाटाज दे रखे हैं, या फिर आप हमारी बुक भी अलग से परचेज कर सकते हैं। AIQ काउंसलिंग गाइड भी बना रखी है और राजस्थान स्टेट की स्टेट क्वाटा काउंसलिंग गाइड भी बना रखी है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स दे रखी है काउंसलिंग से जुड़ी। प्रेफरेंस लिस्ट भी उस बुक में आपको मिल जाएगी, तो बुक भी आपके लिए बेटर रहेगी, तो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे उनकी प्राइसेज और डिटेल्स दे रखी है, आप इन नंबर पे मैसेज करके आप पेड काउंसलिंग या कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो पे आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एम्स की अपन प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से ही अंदाजा लगा सकते हैं अपन एम्स की कट ऑफ का। तो एम्स में टोटल 20 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स बहुत ही अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं और इनकी 100% सीटें हैं वो ऑल इंडिया क्वाटा के थ्रू एमसीसी की वेबसाइट पे भरी जाती है, एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू। तो मोस्टली जो अपन बात करेंगे वो राउंड वन एंड राउंड टू की कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि राउंड टू के बाद है ना वो कट ऑफ काफी वेरी कर जाती है, क्योंकि सीटें बहुत कम बचती है, इसलिए अपन राउंड टू को ही मार्कर मान के चलेंगे। मैं राउंड टू के हिसाब से आपको 2023 की कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे, जनरल की अपन पहले बात कर लेते हैं। तो एम्स दिल्ली पिछली बार 55 रैंक पे मिली थी और 701 मार्क्स में मिली थी, राउंड टू में 61 रैंक और 701 मार्क्स में मिली थी। तो एम्स दिल्ली क्या है, मोस्टली तो एम्स दिल्ली की सीटें राउंड वन में ही भर जाती है, एक दो बच जाती है, वो भी कोई ऐसे छोड़ देते हैं ना बच्चे अपनी स्टेट के लेने के लिए, वो बहुत कम होते हैं, मतलब रेयर चांस। तो इस साल भी यही होने वाली है, 2022-23 के कट ऑफ की बात करें अपन तो एम्स दिल्ली के अंदर कट ऑफ जा सकती है 52-53 रैंक के आसपास, मतलब 52-55 रैंक के आसपास आप कट ऑफ मान सकते हैं। ये कट ऑफ जाती है हर बार एम्स की, और सेकंड राउंड में अगर कोई सीट खाली रह गई तो नीचे देखने को मिल सकती है आपको, लेकिन बहुत कम चांस होता है ये। फिर एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो 564-685 मार्क्स पे मिली थी और 72-700 मार्क्स पे मिली थी। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए लगभग इसी के आसपास रहने वाली है, इसी के आसपास 570 के आसपास या 580 मान लीजिए आप, तो ये जो कट ऑफ होंगी ना वो इन्हीं के आसपास रहने वाली है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एम्स के अंदर। जो टॉप एम्स होती है ना बच्चे उन्हीं को लेना प्रेफर करते हैं। तो 2021 में भी इसी के राउंड कट ऑफ थी, 2022 में भी इसी के राउंड थी और 23 में भी इसी के राउंड रहेगी। तो ये जो टॉप एम्स है ऊपर वाली, इनकी कट ऑफ में ज्यादा वेरी देखने को नहीं मिलता है अपन को। तो जोधपुर की भी 569 और 502 रैंक मिली थी, तो आप मान लीजिए 569 मतलब सेकंड राउंड में कट ऑफ हाई चली गई थी इसकी, तो 569 थी, तो 570 तक आप मान के चल सकते हैं। एम्स भोपाल की बात करें तो एम्स भोपाल को अपन 580 तक मान सकते हैं, और एम्स ऋषिकेश की बात करें तो ये ऋषिकेश 900 तक अपन मान सकते हैं। अब क्या है, अब जो नीचे वाली कॉलेजेस है ना इनमें कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस धीरे धीरे बन जाते हैं हर बार, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि स्टेट में ले लेते हैं, या बच्चे ज्यादा एम्स में लेना चाहेंगे तो कट ऑफ बढ़ भी जाती है। तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो स्टेट का टॉप कॉलेज प्रेफर करते हैं एम्स प्रेफर करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपने ही स्टेट का टॉप कॉलेज ले लेते हैं एम्स की बजाय, जो लो कॉलेज एम्स मिल रहे होते हैं उनको, इसलिए कट ऑफ इनकी डाउन देखने को मिल जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस को प्रेफर करते हैं, जैसे साउथ की एम्स है वो कम लेना प्रेफर करेंगे, बल्कि अपने ही स्टेट के अंदर नॉर्थ की कॉलेजेस ले लेंगे। जैसे नॉर्थ का कोई बच्चा है उसके मार्क्स काफी अच्छे हैं और उसको एम्स मदुरई जैसे मान लो मिल रही है एग्जाम्पल के लिए, तो वो क्या करेगा, एम्स मदुरई 649 मार्क्स में मिल रही है तो वो क्या करेगा अपने स्टेट में ले लेगा, स्टेट में उसको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी जैसे कि SNMC मिल जाएगी, RNT मिल जाएगी, तो वो ऐसा सोचेगा कि एम्स मदुरई से बेटर है यहाँ स्टेट में ले लूँ पास के पास। तो यहाँ पे कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिल जाता है इस केसेस में। तो फिर आगे बात करते हैं अपन एम्स रायपुर की, एम्स रायपुर में 1052 और इसमें 1328, 1461, 1920, तो इनमें भी आसपास जानी है, इसमें 1100 मान सकते हैं आप। इसके अंदर अपन
1350 मान सकते हैं, इसके अंदर अपन 1500 मान सकते हैं, इसके अंदर अपन 2000 मान सकते हैं। राउंड टू में तो इनकी कट ऑफ ज्यादा चली जाती है क्योंकि सीटें कम बचती है और कुछ बच्चों का मूड चेंज हो जाता है तो वो आ जाते हैं राउंड टू के अंदर अलॉट करवाने। तो फिर आगे अपन बात करें तो आगे मंगलागिरी ये 2400 तक मान सकते हैं आप, ये 2700 तक मान सकते हैं आप, ये 2800 तक मान सकते हैं आप, और ये 2800 तक मान सकते हैं आप, और ये 2900 तक मान सकते हैं आप, और ये 3000 तक मान सकते हैं आप, इसी के आसपास रहने वाली है। फिर ये 3200 तक मान सकते हैं एम्स बिलासपुर, और ये जो है देवगढ़ ये वगैरह ये 4000 के आसपास रहेंगी, मतलब 4100 आप मान लीजिए, इसी के इर्द गिर्द आप प्लस माइनस 50 कर लेना बस। मैं जिन भी कॉलेज की आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इनको आप प्लस माइनस 50 कर लेना, इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एम्स की कट ऑफ फिक्स रहती है लगभग, क्योंकि बच्चे उन्हीं को लेना प्रेफर करते हैं, टॉप कॉलेजेज है। और मोपअप तक कोई बच्चा रिस्क लेता है तो कई बार क्या होता है उनको मिल जाती है, जैसे एम्स मदुरई देखो 11177 मार्क्स तक भी मिल गई थी। तो ये सब है ना मोपअप में सीट खाली रहने पर डिपेंड करता है, मोपअप में कहाँ सीट खाली रहती है, कई बार नहीं रहती, जैसे इन कॉलेजेस में कोई सीट खाली नहीं है, तो आपको जिसमें चाहिए उसमें जरूरी थोड़ी ना सीट खाली रहे, तो सीट खाली नहीं रही तो रिस्क हो सकता है, इसलिए राउंड टू में ही आपको ले लेना है कॉलेज। तो ये जनरल की मैंने बता दी। सेम फंडा अप्लाई होगा ओबीसी कट ऑफ पे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। तो ये ओबीसी के इसमें भी आपको प्लस माइनस 50 जोड़ के चलना है यहाँ पे हर कॉलेजेस के अंदर। ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, इसमें प्लस माइनस 50 जोड़ के चलना है। फिर नेक्स्ट एससी की कट ऑफ है, इसमें आपको प्लस माइनस 200-300 जोड़ के चलना है क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एसटी की कट ऑफ में आपको प्लस माइनस 500 जोड़ के चलना है, 500 या 1000 तक आप जोड़ सकते हैं। तो ये एसटी की कट ऑफ रही थी, तो ये सारी कट ऑफ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। और आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए, हम आपको एनरोल कर लेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएंगे, हम सारे बेस्ट से बेस्ट डाटा देंगे, हमारी तरफ से फुल एफर्ट करेंगे आपको कि बढ़िया कॉलेज मिल सके। तो आप इन नंबर पे मैसेज या कॉल करके काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, या फिर आप पेड काउंसलिंग नहीं करवाना चाहें तो हमारी बुक भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको सारी डिटेल दे रखी है, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट पे डाटा कहीं भी एक जगह अवेलेबल नहीं होता, हमारी बुक में सारा डाटा दे रखा है, कुछ भी हमने डाटा छोड़ नहीं रखा, सभी डाटा आपको उस बुक के ऊपर मिलेगा, प्रोसेस फीस बॉन्ड कट ऑफ सब मिलेगी आपको। तो ये बुक आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और ऐसे ही राजस्थान स्टेट क्वार्टर की बुक भी बनाई है हमने, बहुत ही इजी वे में बना रखी है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।